वीके न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड सच का सारथी। देखिए अयोध्या से मैं तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य टीएमसी को मैं आज जो है आतंकवादी संगठन घोषित करता हूं, क्योंकि 2 मई को चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद में जिस तरह से रोहिंग्या आतंकवादियों को छूट दी गई और 3 करोड़ से ज्यादा वहां हिंदुओं का जिस तरह से निर्मम नृशंस हत्या हुई है, जब वहां राज्यपाल जो है गए तो वहां जो भाग करके जिनका घर द्वार लूट लिया गया, वो भाग करके जो जंगलों में छिपे थे, वो कहते हैं कि क्या बिना इस्लाम कबूल किए जीने का कोई रास्ता नहीं बचा है। तो ममता बनर्जी ने तमाम रोहिंग्याओं को नेशनलिटी दिया, तमाम घुसपैठियों को नेशनलिटी दिया, और जिस तरह से ममता बनर्जी का कार्यकाल रहा, तो ममता बनर्जी एक प्रकार से उनको कहा जा सकता है कि वो देश की एक राजनीतिक गंदगी हैं, आतंकवादी हैं, और टीएमसी आतंकवादी संगठन। लेकिन आप आतंकवादी बोल रहे हैं ममता बनर्जी को, तो वो आपको क्या लगता है वो वाराणसी क्यों आ रही हैं फिर? बस देश विरोधी गंदगी को फैलाने के लिए यहाँ भी आ रही हैं, क्योंकि उनको ये लगा कि जैसे मक्खी होती है, कितनी भी साफ सुथरी जगह हो कुछ न कुछ गंदगी ढूंढ लेती है। तो उत्तर प्रदेश में लगा कि समाजवादी पार्टी जो है निहत्थे कार सेवकों पर गोलियां चलवाई थी, तो उसके प्रचार में आ रही हैं, तो उनको लगा कि यहाँ भी जो है जिस तरह से वहाँ उन्होंने जो है तो 3 करोड़ से ज़्यादा जो है तो हिंदुओं की हत्या कराया, तो यहाँ अखिलेश यादव को समझाने आती होंगी कि अगर तुम्हारी सरकार बने तो तुम भी ऐसे यहाँ करना, लेकिन ऐसा होगा नहीं। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।